अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप मिजाज और ईमान की बेहतर हालत में होंगे। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों देखिए अभी लर्निंग पॉइंट है और बहुत मतलब स्टार्ट प्रोसीजर में आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूं, तो आज जो बताने जा रहा हूं वो गमलों में जो मिट्टी जाम हो जाती है, सख्त हो जाती है, उसको नरम करने का तरीका। और अगर कच्ची ज़मीन पे गमले रखे हुए हैं तो वो जड़ें जो है ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, उसकी सफाई का तरीक़ेकार आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारी मालूमात आपको मिलेंगी। और अगर चैनल आपको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, Never miss an update। दोस्तों आपको ये गमला नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे से घास निकली हुई है और ये घास वो है जो ज़मीन के ऊपर गमला रखा हुआ था और वो निकली हुई थी। इसको हमने अलग कर देना है खुरपी की मदद से, और जब ये अलग हो जाएगी तो इसको नीचे रखें और खुरपी की मदद से इसको हल्की हल्की गुडाई करनी। खुरपी ज़्यादा अंदर ना जाए क्योंकि छोटा पौधा है और जड़ें यकीनी तौर पे इसकी कट जाएंगी। अगर ज़्यादा अंदर खुरपी जाएगी तो बहुत आराम से एहतियात के साथ इसकी मिट्टी को नरम कर दें। इसी तरीके से जड़ें जो निकली हों आप इसको बिल्कुल खुरपी की मदद से आराम से इसको अलग कर दीजिएगा। गमले की मिट्टी को जो है वो नरम करते रहिएगा। मिट्टी बहुत आराम के साथ इसको नरम करनी है। देखिए दोस्तों, जो ये मिट्टी नरम करने का मकसद है, गमले के ऊपर जो काई जम जाती है, मिट्टी जाम हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो ये पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अब जब हमने इसको मिट्टी को नरम कर दिया तो अंदर की गैस जो है वो बाहर आएगी। और एक बात का ख्याल रखिएगा, गुडाई करने के बाद 24 घंटे तक पौधे को पानी ना दीजिएगा। 24 घंटे के बाद इसको भरपूर पानी दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। दोस्तों गुडाई करते हुए देख रहे होंगे, ये इसमें एक जंगली आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह की जंगली जो है बिल्कुल निकाल दीजिएगा, बिल्कुल साफ कर देंगे गमला। आपने देखा ये बिल्कुल गुडाई हो चुकी है, इसकी गमले की मिट्टी नरम हो चुकी है, इसमें से जंगली वगैरह जो थे वो निकल चुके हैं। आपको ये काई नज़र आ रही होगी, इस काई को तोड़ने के लिए और इसको मिट्टी को नरम करने के लिए तमाम काम किया जाता है, और जो गमले की गैस अंदर होती है इसको बाहर निकालने के लिए। तो ये गमला तैयार है, अब इसको 24 घंटे के बाद हम पानी देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।